बांध दी सर को। हाँ सर को राखी बांध दी है। इनका थरिया दिखाइए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। अब 130 में से 13 ले लिए, बाकी सब बाकी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हंसोगे तो खाओगे, हम भी खाएंगे आप भी खाइए। हाँ वाह, सुने कि 2-3 दिन से खाना नहीं खाई थी खान सर के भंडारा की वजह से। नहीं ऐसा हाँ? नहीं ऐसा नहीं है। राखी बांध दी सर को। यस। भोजन कर रहे हैं? हाँ पूरा पूरा। आज पूरा पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, आधा घंटा खा रही है। ये इतना खाना है, खाने में टाइम नहीं मिल रहा। गिनो, 1 2 3 4 19 20 21 22 22 पीस है। पीस को 22 आइटम छोड़ लीजिए, 230 में से 22 आइटम ले चुकी है। हाँ ये तो है। कौन 3 दिन से नहीं खाया था जी, कौन बताया था? हाँ मजा आ रहा है खाने में, बढ़िया लगा है। हाँ। बाजार का चाउमीन और मोमोस अच्छा होता है या यहाँ का? इतना आइटम है कि हमको नाम तो बताएगा तो भूल जाएंगे। अभी हम पटना वाले खान सर के कोचिंग क्लास में हैं मित्रों, और यहाँ पर आज जो बहने खान सर के कलाई पर राखी बांधेंगी, उनके खाने के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की बेहतर तौर तरीके से व्यवस्था की गई है। हर बार खान सर 130-100 से ऊपर ज्यादा खाने का आइटम बनवाते हैं, लेकिन इस बार कितना आइटम खाने का बना हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, यही बताएंगे कि इस बार खाने की कितनी मात्रा में व्यवस्था की गई है। ओम प्रकाश जी, कितना आइटम आज खान सर बनवाए अपनी बहनों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आपको आने के लिए। हाँ। और खान सर के इतना अच्छे से दिखावा दिखाने के लिए सबसे पहले आपको हम यह जानकारी देंगे कि खान सर 120 आइटम नहीं बना रहे हैं। हाँ। यहाँ 500 से ऊपर आइटम है। 500 से ऊपर ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिज्जा। हाँ। पिज्जा का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, बहुत पिज्जा का व्यवस्था किया गया, पिज्जा का व्यवस्था, ब्रांडेड पिज्जा हट का, पिज्जा हट का व्यवस्था किया गया। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लोकल सामान नहीं आता है। हाँ। जो भी आता है ब्रांड का आता है। कम से कम सारी व्यवस्था खान सर की तरफ से अपनी बहनों के लिए की गई है। खान सर और उनके बहनों का जो प्यार है। हाँ। वो अद्भुत है। हाँ। कई सालों से रक्षाबंध हो रहा है, जिसमें 2-3 साल से। हाँ। खान सर के हम सहयोगी भी रह चुके हैं। हाँ। उनके साथी जो अनुज जी है, अजीत जी है। हाँ। वो हमारे हर एक फंक्शन में सहयोग के रूप में बुलाते हैं। हाँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फास्ट फूड का जितना भी स्पाइसी आइटम है। हाँ। आप यहाँ से इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। कि इतना नजदीकी में 10 से 20 आइटम है, तो अंदाजा लगा सकते हैं पूरा हॉल में कितना होगा। मतलब ये सारा जो है बहनों के खाने की व्यवस्था की गई। ये बनाना चिप्स, ये बनाना चिप्स, ये मट्ठी, ये जो है नमकीन, ये चिप्स, कुरकुरा, पापड़, सब कुछ है। हाँ जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी। हाँ। आपका नमकीन चीज में सारा आइटम खान सर के बहनों के लिए उपलब्ध है। हाँ। और वो 10,000 जितना भी लड़कियां हैं। हाँ। हर एक साल इसी तरह से। हाँ। सजाया, एकदम सजा कर सब कुछ रखा जाता है। हाँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 से 30 आइटम आपको मिलेगा। हाँ। ड्राई फ्रूट्स का। हाँ। अभी ड्राई फ्रूट्स एक क्वालिटी का। अच्छा, ये क्या है? ये जो है ये बताएंगे, ये क्या है? इसका नाम, किसी चीज का नाम नहीं बताया गया सर। का इतना आइटम है कि हमको नाम तो बताएगा तो भूल जाएंगे। नाम बताते बताते भूल जाओगे एकदम। इतना आइटम है, रख दिया गया है, लेकिन इसको 120 आइटम है। और इसमें से क्या है? कुछ कुछ का पता, कुछ कुछ का नहीं पता। कुछ का पता है, कुछ का इनको नाम भी नहीं पता है। देखिए आप इधर आप जानते हैं ड्राई फ्रूट्स में ये सब क्या है। आप इधर भी जानते हैं। आप आगे देखिएगा तो वहाँ पे हमारे इडली, डोसा, सांभर का व्यवस्था किया गया है। सारा जो है यहाँ इडली, सांभर, डोसा, मसाला, सब चीज़ों का। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सांभर है, इडली है, डोसा है, ये हर एक साल व्यवस्था किया जाता है। हाँ, 10,000 बहनों के लिए। हाँ, उसके पास आप देख सकते हैं इधर एक क्वालिटी का। हाँ, ये सारा मिठाई बना हुआ है। आप इधर देख सकते हैं दही बड़ा भी है। हाँ, यहाँ पे सारा चीज उपलब्ध है। हाँ, और खान सर के यहाँ पे जो खाने का व्यवस्था है। हाँ, वो बहुत ही अलग अंदाज में किया जाता है। जो भी 10,000 बच्चियों के लिए, बहनों के लिए। हाँ, खाने की पूरी 10,000 बच्चियों के लिए यहाँ अच्छे से व्यवस्था किया जाता है। हाँ, और हर एक साल की बात ही आप इस तरह देख सकते हैं, काला जामुन है, रसगुल्ला है। हाँ, खीर कुछ है। कुछ चखा आपने? नहीं अभी तो लिए ये सब। महक से कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। सुगंध से ठीक लग, एकदम बढ़िया खाना लग रहा है। आपने कुछ खाया अभी? तो अभी ले पूरा एकदम भर लीजिएगा, मानिएगा नहीं तो। सुबह से जितना भूखा प्यासी थी सब आज निकाल। हाँ, सुबह से सर की राखी बांधने के लिए सुबह से ही भूखे हुए हैं लोग। इनका थरिया दिखाइए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। अब 130 में से 13 ले लिए, बाकी सब बाकी है। बाकी अभी जी, राखी बांध दी सर को। हाँ, सर को राखी बांध दी है। लड्डू खिलाइए सर, मना कर दिए मिठाई। कुछ खा कर बताइए इसमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। कुछ खाइए। हाँ, हम भी खाते हैं, आप भी खाओ। हाँ, हम भी खाएंगे, आप भी खाइए। हाँ, वाह वाह भाई, ये तो भाई बहुत बढ़िया पनीर टिक्का, बहुत टेस्टी लगा है खीर। हाँ, खीर बहुत बढ़िया है। खाई गुद्दी दी? नहीं अभी खाया तो नहीं है। आइए, जो लोग ये लोग ले रहे हैं खाने का आइटम, कुछ लोग खा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए। हाँ, अजीत जी खा कौन रहा है?
आइए थोड़ा दिखाइए कौन लोग। अच्छा इधर भोजन कर रहे हैं लोग। देखिए तमाम जो बहनें हैं वो अब खाने के लिए जो है आ चुकी हैं। ए दीदी कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया लग रहा है भैया। बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत। हेलो हेलो हाय क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हंसोगी तो खाओगी कब? खा लो भी। देखिए सारे लोग कर लीजिए। अच्छा ठीक है ये खा रही है। ये बताइए कैसा लगा खाने में? खाना तो बहुत टेस्टी है। इतना बढ़िया खाना आप घर में बना पाती हैं? नहीं हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता। और ये जितना वैरायटी का सर ने रखा है ना उतना वैरायटी तो हम ले भी नहीं पाए। और मुझे नहीं लगता कि कोई गर्ल्स इतनी वैरायटी एक साथ खा सकती हैं। क्या बोल रही है इधर आइए। खान सर थोड़ी बनाए, खान सर बनवाए तो खान सर के थ्रू ही बना है ना। हमारे लिए खान सर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। तो पूरा ही लोग आज पेट भर कर खाएंगे? बिल्कुल पेट पूरा, आज पूरा पेट भर जाएगा। हाँ हाँ देखिए सबसे ज्यादा यही खा रही है। कह रही कि तीन दिन से बिना खाए थे। तो तीन जो है तीन दिन से ही लोग बिना खाए थे। दीदी खाई कुछ है? पहले खा कर बताओ कैसा लग रहा है। क्या खाओगी पहले? अभी मीठा खाओ, मीठा खाओ, मीठा खाओ। और रुके थे बताते हैं। ये देखिए इधर सब भोजन कर रही हैं। ये कह रही थी हमसे क्लासरूम में कि हम तीन दिन से भोजन नहीं किए हैं और आज तीन दिन का पूरा हिस्सा खा लेंगे। सही बात है? कौन तीन दिन से नहीं खाया था जी? कौन बताया था? हाँ मजा आ रहा है खाने में? बढ़िया लगा है? हाँ। बाजार से बढ़िया चाउमीन है कि यहाँ वाली चाउमीन बढ़िया है? यहाँ वाली चाउमीन बढ़िया है। हाँ बच्ची दीदी कहाँ से आई हैं? हम दरगाह से। सुल्तानगंज से। खाना राखी बांध दी सर को? यस। खाना खा रही हैं जी। तो जो है बाजार का चाउमीन और मोमोस अच्छा होता है या यहाँ का? अभी खाए नहीं है, खाएंगे अभी, खाए नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नगमा। नगमा सर को राखी बांध दी? यस सर। चलिए नगमा जो है खाना खा रही है। सुने कि दो तीन दिन से खाना नहीं खाई थी खान सर के भंडारा की वजह से? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तीन दिन से खाई थी लगातार? नहीं खाई थी, खाई थी, भूखा कोई नहीं था। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए चाउमीन। क्या क्या खा ली अभी तक बताओ? फल फूल सब खा चुके हैं। क्या क्या खाई हो? फ्रूट्स वगैरह खाए हैं। फ्रूट खाई हो बस? अभी मतलब दुबली पतली हो इसलिए फ्रूट खाकर सेहत बनाना है। दुबली पतली कहाँ? दुबली पतली नहीं है। भोजन की पुआ पर व्यवस्था की गई है और सब लोग बैठकर पंगत में जो है लाइन से यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। हाँ पूरा पूरा खाने का मजा ले रही है भरपूर। बिल्कुल लेंगे खान सर इतने। तीन दिन से खाना नहीं खाई थी आपने? नहीं नहीं तीन दिन से मैनेजमेंट में लगे हुए थे, ऐसे थोड़ी खाना नहीं खाए थे। पूछे कि यहाँ भंडारा इसलिए तीन दिन से नहीं खाई? नहीं नहीं बिल्कुल खाए थे। खाई थी? तो पूरा पेट भर दीजिएगा। नहीं जितना खिलाएगा तो जरूर खाएंगे। चलिए सब लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार का भोजन जो है वो ग्रहण कर रही है और खान सर जो है इन तमाम बहनों के लिए जो है राखी बंधवाने के बाद इनके लिए प्रॉपर तौर तरीके से व्यवस्था की है। आधा आधा घंटा खा रही है। ये इतना खाना है खाने में? गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बाईस पीस है। पीस को आइटम छोड़ लीजिए, दो तीस में से 22 आइटम ले चुकी है। हाँ ये तो है, आप सोच लीजिए एक खाने में एक मिनट लगे, 22 मिनट यानी आधा घंटा लगेगा ही खाने में। आंसर कह रहे तीन दिन से ही कुछ खाई नहीं है, भूखी थी। नहीं ऐसा, पूरा पेट भर कर खाएंगे। हाँ पूरा पेट भर के, सुबह से तो ही भूखे ही है लोग। तो पूरा आज इसको सफाया कर दीजिए। हाँ हाँ चलिए आज सबका पेट भरेगा, सब लोग खाएंगे। सब लोग खान सर के राज में पूरा भरपूर खाएंगे, भर भर कर खाएंगे, ताली भर। इतना बड़ा ब्रेड पकौड़ा? यस। कितना आइटम खा रही हो? 20-22 होगा अभी। 20-22 को खा लेंगी आज, मतलब पूरा कसर बुता देंगी लोग। असल में ये खुशी है एक भाई के द्वारा, खान सर के जैसे अगर कोई भाई हो तो कोई क्यों नहीं इतना खाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।